बाहुबली प्रधान का आतंक, लाठी डंडे के बल पर जेसीबी से अवैध खनन, ग्रामीणों ने उठाया आवाज तो लाठी डंडे लेकर दौड़ाया। प्रयागराज मेजा अंतर्गत ग्राम डाबर में राजस्व भूमि में स्थित माँ के तालाब में खनन माफियाओं द्वारा जेसीबी मशीनों से मिट्टी का अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इससे तालाब की समतल भूमि गहरी खाइयों में तब्दील होती नजर आ रही है। दूसरी ओर प्रशासन के आदेशों के बाद भी खुलेआम हो रहे इस अवैध खनन को राजस्व कर्मचारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। इस अवैध कारोबार से तालाब की समतल भूमि में कई स्थानों पर 5 से 10 फुट तक गहरी खाइयां बन जाने से खाइयां दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहां अवैध खनन आए दिन किया जाता है। देखिए इस वीडियो में ग्रामीणों ने क्या कहा। जो हम आपको बता दें वो दावा किए थे और वहां पे आज हम मौजूद हैं। यहां पे बताया जाता है कि अवैध तरीके से खनन हुआ है, जहां की खनन में बता दें कि जो कहीं ना कहीं जो क्रेन है, जो यहां पे जो जेसीबी है, आपको बता दें यहां पे वर्जित है, पूरी तरीके से वर्जित है। लेकिन यहां पे जो है अवैध तरीके से जो है जेसीबी चलाया गया है और खनन किया गया है, और खनन करके जो ग्रामीण है उनका कहना है कि वो अपने घर पे जो है मिट्टी कहीं ना कहीं वो ले जाकर पाट लिए हैं घर अपना, और कहीं ना कहीं इस जो तालाब है इसको खोखला कर दिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे मनरेगा के तहत यहाँ पे काम होना चाहिए, और जो कि मनरेगा के तहत काम नहीं हुआ है उनके पेट पे जो है कहीं ना कहीं लात मारा गया है, आपको बता दें। और यहाँ पे अवैध तरीके से पूरे काम को अंजाम दिया गया। हमारे साथ कुछ यहाँ के गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में, क्या ये सच है या नहीं, क्योंकि पत्रकार ये कहते हैं कि सच होता है लेकिन कहीं कहीं झूठ निकल जाते हैं, लेकिन ये पत्रकार जो है ये कहीं ना कहीं आपको सच दिखा रहा है कि जो हमने दावा किया वो दावा आपके सामने पेश है। तो हम यहाँ की ग्रामीण से वो चीजें पूछेंगे कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका भैया? समर बहादुर। समर बहादुर जी, क्या कहेंगे, ये अवैध काम हुआ है या नहीं हुआ, साफ बताइए। कोई किसी से डर नहीं, किसी से कुछ नहीं? अवैध काम हुआ जेसीबी से जो है। कब हुआ है अवैध काम ये? लगभग 10 दिन पहले। 10 दिन पहले हुआ है? तो बता दें कि 10 दिन पहले अवैध काम हुआ है। हम भैया जी से नहीं, हम और लोगों से जानकारी लेंगे कि यहाँ पे अवैध काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम जानकारी लेंगे। क्या क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। जयप्रकाश सिंह, तो क्या कहेंगे आप, यहाँ पे अवैध काम हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरी आंखों के सामने प्रधान जी की मौजूदगी में 2-2 जेसीबी चली हैं और कम से कम 8 से मैक्सिमम 10 ट्रैक्टर जो यहाँ की मिट्टी निकाल करके कुछ उन्होंने अपने घरों में लगाई है, कुछ आसपास के लोगों को मिट्टी बेची गई है। तो मिट्टी बेची गई है प्रधान की तरफ से, आपको बता दें यहाँ पे मिट्टी बेची गई है और ये खनन अवैध खनन करके जो है मिट्टी बेची गई है, आपको बता दें। और लोगों से अच्छा यहाँ पे शौचालय के लेकर यहाँ पे जो तरह तरह की योजनाएं आते हैं उस पे लेके क्या कहेंगे आप? शौचालय, मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है, मैं एक जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और अगर सरकार देख रही है ये वीडियो तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सरकार मेरे गाँव में आके मेरे व्यक्तिगत अगर मेरे बारे में जानकारी, मेरे पास 2 बीघे जमीन भी नहीं है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट की बेसिक सुविधाएं जैसे टॉयलेट और आपका जो सरकारी आवास होता है, मतलब हमको कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना है। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पे जो है विश्वास यहाँ पे प्रधान जी उन्हीं लोगों को सिलेक्टेड पीपल्स का मतलब काम करवाते हैं जो उनके वोट बैंक के थ्रू अंदर है, और प्लस उनसे भी कमीशन लेते हैं 10% 5% जो भी उनका एक बना हुआ है, पूरा कमीशन पे काम चल रहा है। कमीशन पे काम चल रहा है। अगर हमने नहीं दिया है तो हमारा फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। आज 3 साल 4 साल होगा अभी हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, न हमको सुलभ कॉम्प्लेक्स मिला है, न ही हमको कोई आवास मिला है। तो यहाँ पे आपको बता दे, घर भी नहीं है, बोल दो ना, मेरे पास घर भी नहीं है। तो क्या हमारे पास खुद का अपना मकान भी नहीं है, कोई भी आकर के सरकारी अधिकारी आकर चेक कर सकता है जब भी वो चाहे। तो इनके पास सरकारी मकान भी नहीं है और ना ही इनका खुद का मकान है, जो सरकार देती है आवास आपको बता दे वो भी नहीं है इनके पास, क्योंकि प्रधान जो है कहीं ना कहीं अपना विकास के नाम पे विश्वास तोड़ दिए हैं ग्रामीणों के आगे। आपको बता दें कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? कंसराज यादव। कंसराज यादव, अच्छा क्या कहेंगे? पहले हम अवैध तरीके से जो ये लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल अवैध हुआ है। हुआ है आपके सामने? हुआ था अवैध काम? कितने दिन चला था अवैध काम? अरे करीब 10 दिन। 10 दिन चला था? 10 दिन में खोखला कर दिए हैं आपको, देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल खोखला किया, मट्टी खोद के ले गए हैं, अपना खेत पाटे हुए हैं जिसमें जुताई बुआई होगी, पत्थर था नीचे और उसमें अब खेत पार करके अब जुताई बुआई होगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि ये जो है कहीं ना कहीं ये मतलब कि मनरेगा के तहत काम होना चाहिए और जेसीबी यहाँ पे
वर्जित है? नहीं, हुआ विरोध हुआ बिल्कुल, मगर सरहंगी के कारण लोग मान नहीं रहे थे बाद में। अच्छा, प्रशासन को आपने कुछ संज्ञान दिया कि नहीं कि ये इस तरीके का काम हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रशासन क्या कही? आई थी उसके बाद फिर हो गया, और खोलने के चक्कर में थे, फिर बंद करवा दिए उसी समय। तो प्रशासन जब आई तो कार्य बंद हुआ? 10 दिन के बाद आई। 10 दिन के बाद आई, मतलब 10 दिन तक अवैध काम चलता रहा ना, बुरी तरीके से अवैध काम चलता रहा। भैया जी मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि मतलब सभी यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप खुद जीता जाता उदाहरण आप खुद देख लीजिए। तालाब दिखाइए कैमरापन, तालाब देख लीजिए कितना गहरा हो गया है तालाब। तालाब खुद बयां कर रहा है जो है कहीं ना कहीं अवैध काम जो है अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं तालाब को खोखला कर दिया गया है यहाँ पे प्रधान के द्वारा, और कहीं ना कहीं उनके वो अपना घर पाट लिए हैं और अपना खेत जो है वो पाट लिए हैं। क्या नाम है भैया आपका? रमा शंकर। आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गांव, हरगढ़ गांव के। हरगढ़ गांव। अच्छा भैया, क्या कहते हैं इस तालाब के लिए? तालाब के लिए जेसीबी चली है, मट्टी ले गए हैं। हाँ, मट्टी ले गए थे। अच्छा, तो देख लीजिए भैया का भी कहना है। अच्छा भैया, आवास मिला है आपको? नहीं, आवास नहीं मिला है। अच्छा, ये जैसे कि सामुदायिक शौचालय होता है उसका कुछ है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, शौचालय तो एक मिला था। मिला था? नहीं, सामुदायिक शौचालय की बात कर रहे हैं। नहीं, सामुदायिक मतलब कि सभी जा सकते हैं वहाँ पे? नहीं नहीं, वो समुदायिक ऐसा कुछ बना नहीं, नहीं, नहीं बना। तो आपको बता दे, गांव में सभी गांव में अभी तक सामुदायिक शौचालय जो है वो बन गए हैं, और कहीं ना कहीं समरसेबल वगैरह भी लग गए हैं ताकि लोगों को जो है कहीं ना कहीं समस्या ना हो। लेकिन यहाँ पे जो है इस गाँव में आपको बता दे समस्या ही समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पे लोगों का कहना, खुद हमारा कहना नहीं, यहाँ पे लोग कहते हैं जो है कहीं ना कहीं समस्या होती है। महिलाओं से हम पूछेंगे, महिला हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? नीलम नाम है। आप ये बताइए, यहाँ अवैध तरीके से काम दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, दिख रहा है। जेसीबी चली है यहाँ पे कि नहीं? जेसीबी चली है, नरेगा कार्ड। अच्छा, आप राशन लेने जाती है तो राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? पूरा मिलत है, पूरा नहीं मिलता। कितना मिलता है? मिलत है। एक यूनिट पे कितना मिलता है आपको? एक यूनिट पे 5 किलो देते हैं। 5 किलो मिलता है भैया आपको एक कार्ड पे? हाँ, मिलता। पूरा पूरा मिलता है? पूरा नहीं मिलता। कितना मिलता है बताइए साहब? मिलता है 4 किलो। 4 किलो मिलता है? हाँ। मतलब कितने आपके घर में सदस्य हैं? 4 लोग। 4 लोग, तो कितना टोटल मिलता है आपको? 20 किलो मिलना चाहिए, पा रहा हूँ 18 किलो। 18 किलो। 2 किलो काट क्यों ले रहे हैं वो? उनसे आप बोलते हैं ना कि हमारा 2 किलो जो है वो दीजिए, हमारा हक क्यों काट रहे हैं, हमारा पेट क्यों काट रहे हैं? अब क्या बताएं? क्या नाम है आपका? रविशंकर। रविशंकर, आप बताइए, आपको आप यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? जो हम ये चीज कहना चाहते हैं साहब, कि जो नरेगा काम हुआ है मजदूरी से, ये मजदूरी से कराना चाहिए। हाँ। मजदूर कमाना खाना चाहिए। कहीं ना कहीं पेट पे लात मारा गया? हाँ, मारा गया है, मारा गया। इसमें जेसीबी नहीं चलना चाहिए, कहीं रोड में काम लगे, नरेगा तालाब खोदा जाए, उसे मजदूर करे तो 4 पैसा पाएंगे। वो पैसा वो ले रहा है, जेसीबी वाला ले रहा है, दूसरा कोई ले रहा था, कैसे दुनिया चलेगी? जॉब कार्ड ऐसे बना के हम रखेंगे घर पर? जॉब कार्ड हम देखेंगे उसके काम नहीं करेंगे तो देखने से पेट भरेगा? देख लीजिए, खुद भैया ये कह रहे हैं कि जो जॉब कार्ड इनका बना हुआ है कहीं न कहीं मनरेगा के तहत वही बनता है कार्ड, ताकि वो काम कर पाए इस जो तालाब है, इस तालाब में। लेकिन तालाब की जब अवैध खुदाई हो जाती है तो काम कैसे करेंगे? गरीबी पे मतलब पेट पे लात मारने की जैसे ये काम किया गया है। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए एके न्यूज।